क्योंकि मैं 3-4 दिन से प्लान कर रही हूँ एक वीडियो शूट करने की। मेरा मेकअप नहीं देता, वाटर प्रूफ है। Hi guys, this is me, Kinis Fatma Khan, and welcome back to Kinis Vlog. Welcome back to another very beautiful day of my life. आज का बहुत खूबसूरत सा दिन, दिन में मैंने व्लॉग स्टार्ट कर लिया है और आज बहुत ही प्यारा सा दिन है। धूप नहीं है क्योंकि बादल आए हुए हैं बहुत ज़्यादा और बारिशें लगातार पिछले 3-4 दिनों से हो रही थी। थोड़ी सी आती थी फिर चली जाती थी, थोड़ी सी होती थी बारिश पर फिर ख़त्म हो जाती थी। कल मैंने पूरा दिन ब्लॉग नहीं किया और पूरा दिन मैं सफाइयाँ काम करती रही हूँ क्योंकि मामा की तबीयत बहुत ज़्यादा डल है। मैंने पिछले ब्लॉग में आई गेस बताया था कि मामा की थोड़ी सी डल है तबीयत, तो उस वजह से वो बिल्कुल बेड रेस्ट में, अभी भी वो बेड पे सो रही हैं। तो फिलहाल मैं मतलब कल मैंने जो है वो यहाँ पे पूरी सफाई किया है। एज़ यू गाइज नो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैस हुआ हुआ था, मैंने थोड़ी बहुत सफाई किया है, अपनी अलमारी थोड़ी सेट की है और अलमारी थोड़ी सेट करने के बाद मैंने निकाला है अपना सूट क्योंकि मैं 3-4 दिन से प्लान कर रही हूँ एक वीडियो शूट करने की, वो वाली वीडियो बनानी है। उसके चक्कर में मुझे कपड़े प्यारे से निकालने थे, थोड़े से रेशमी थे प्यारे से, तो मैंने ये एक ड्रेस निकाल लिया है। अभी इसको पहन के देखेंगे, इसके साथ नई चीज़ें हम स्टाइल करेंगे जैसे मैं पहले पहनती वैसे नहीं पहनती। और अपने कपड़े छपने रखे हैं, किताबें सारी सेट करके रखी हैं, कुछ चीज़ें अपने बैग शैग पेंटिंग और जूते शूते सब कुछ लगा के रख लिया है और पीछे से भी सारी सफाई की है जो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंद बना होता है। अभी भी गंद ही है लेकिन ये था कि क्योंकि गर्मियाँ आने लगी हैं तो मच्छर और इस तरह की चीज़ें कीड़े मकोड़े बहुत ज़्यादा पैदा होते हैं और बारिशें हो रही थी, तो दैट्स वाई मामा ने कहा था कि सफाई करनी है। वो सोई भी थी, मैंने खुद ही कर दी सारी की सारी। अब यहाँ पर हर एक चीज़ जो है ना सेट करके दोबारा रखी है, मैसी लगेगा आप लोगों को क्योंकि यहाँ पे अभी फिलहाल कबर्ड नहीं है, ठीक है। ओके सो अभी हम होंगे तैयार, कपड़े छपड़े निकाले हैं, आयरन करेंगे, तैयार होंगे, फिर भाई को उठाएंगे क्योंकि वही हमारे कैमरामैन हैं, उनको लेकर जाएंगे। एक बहुत गाइड की जगह मैंने सेलेक्ट की हुई है और वहाँ पर जाकर फिर मैं जो है वो सारा कुछ करते हैं। और बहुत पहले भी धूप हल्की हल्की निकल आई है, मैं पहले ऊपर छत पर 1.5 घंटा 2 घंटे बैठी हुई हूँ क्योंकि मुझे वीडियो अपलोड करनी थी, ब्लॉग वो अपलोड करने के चक्करों में मैं ऊपर बैठी थी। फिर उसके बाद मैं अब नीचे आई हूँ और अब नीचे आते साथ जो है वो मैंने सोचा कि क्यों ना लेट ना किया जाए। देखा अब फिर बादल आ गए धूप पे, लुक ऐसे धूप आती है फिर चली जाती है, बादल आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो मैं क्या बताई थी, हाँ फिर मैंने कहा टाइम नहीं ज़ाया करते क्योंकि थोड़ी सी सनलाइट भी प्यारी लगेगी अगर हम जल्दी से रेडी हो जाते हैं और जाते हैं नहीं जाते पता नहीं, मेरे प्रोग्राम हमेशा कैंसिल होते हैं। मैं वो तारक मेहता का उल्टा चश्मा वाला पोपट हूँ क्योंकि मेरा हर कैंसिल हो जाता है प्रोग्राम। अपना मेकअप करते हैं, उसकी वीडियो अलग है कि मेकअप करने के बाद मैं आपको। सो गाइस दिस इज माय मेकअप लुक, इफ यू लाइक इट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थोड़ी नॉर्मल नॉर्मल है, ज़्यादा खास भी नहीं है और आई गेस ज़्यादा बुरी भी नहीं है। मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे कपड़े निकाल के रख लिए हैं, इस्त्री करके रख लिए हैं, मेकअप हो गया है, अब हम कपड़े चेंज करते हैं। भाई को उठा लिया, बड़ी मुश्किलों से बनाया, मान ही नहीं रहे थे तब उन्होंने बना लिया और अभी मैं आपको कपड़े दिखाती हूँ। ये जनाब मैंने अपने सारे ट्राउज़र और शर्ट को इस्त्री करके रखा हुआ है यहाँ पे, साथ दुपट्टा है, अब पहन के दिखाती हूँ। गाइस हम लोग हो चुके हैं रेडी, हमारे मुस्तफ़ा खान साहब भी उठ चुके हैं, दिस इज़ माई फाइनल ड्रेस एंड एवरीथिंग। अभी हम लोग जाएंगे उस जगह पे, वहाँ पे अगर कोई बंदा हुआ तो हम वीडियो नहीं बना सकेंगे, अगर कोई बंदा ना हुआ तो हम कुछ बनाएंगे। मक्का उतार रहे हैं गाइस, ये मेरी ये तोड़ दिए, क्या तोड़ा, ये कल टूटा है, जिस बेस की मैं बात कर रही थी वो बेस ये है गाइस, इसका शॉर्ट भी मैंने अपलोड कर दिया था आप लोगों के। और ये लड़का कब से बाल सेट किए जा रहा है, निकल नहीं रहा है, मैंने अंदर से नहीं देखी थी, बाहर से मैंने देखी थी, पसंद कर लिया, पता नहीं इतनी गंदी जगह हो पता लगे नहीं, वहां तो लोग घूमते रहते हैं, वो तो मैंने देखा। हाय मेलो, नोट नहीं है।
मैं भी सिर्फ बोलता हूँ, कैमरा अच्छा नहीं रखेगा ना। सॉरी गाइस, वहां के कुछ कुछ क्लिप्स बनाए, अपनी वीडियो रिकॉर्ड किया और उसके बाद वापस आ गए, याद ही नहीं रहा कि वहां पे व्लॉग भी करना था। तो अभी हम लोग वापस आ चुके हैं। जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया थी वैसी नहीं आई, लेकिन बहुत लाओ नहीं आ था ना, थोड़ी सी इंप्रूवमेंट लाओ अपने अंदर। ये पीछे से आवाजें दे रही। अच्छा, तो बहुत प्यारी बहुत प्यारी पिक्चर्स और वीडियोस आई हैं। और सर उसका आने दे, क्यों सारा दले गया। अभी हम लोग वापस आ चुके हैं घर पे और मैंने तो बटा शबटा खोल दिया है क्योंकि बहुत थक गई हूँ टांगों में वही। तो अभी मैं कपड़े शपड़े चेंज करने लगी हूँ क्योंकि रेशमी कपड़े पहने हुए हैं, तो मैं चेंज करती हूँ और फिर उसके बाद मेकअप रिमूव करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या करती हूँ। बाय भाई, जो वीडियोस आएंगी वो इंस्टा पे आएंगी, इंस्टा प्लस टिकटॉक जरूरी है, वहां नहीं डालना कम मतलब एकदम बंद हो थोड़ी सी जा रही है कुछ तो बारे वो से के साथ से गुजरे आप लोग आए थे मेरे घर और अब हम निकल अभी एकदम से सबकी खराब हो गई, मेरी तो खराब है, ऊपर से मम्मा की भी खराब हुई है। तो अब हम लोग जा रहे हैं इधर अपना ऊपर ऐसा, तो अभी हम लोग आए गोशे दरूद और यहाँ पे हम सलाम दुआ करके फिर घर वापस जाएंगे क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हुई थी। मतलब जो भी दरूद शरीफ पढ़ के कोई हाल नहीं, हमेशा यही करके सलाम करते नहीं मैं कह बस जो भी कुछ पीने को, बट हम कुछ नहीं पियेंगे, बुरी बात, पीना हराम है। ये देखे, देखे। ये। दरवाजा बंद कर दे, अब खाना खा के फिर निकालना। बबलू बन गए कि ऊपर चढ़ रहे हैं जनाब, तुम्हारे लिए पुल बनाई है कोई। चलो अंदर जाओ, अभी तो था ना अंदर ना, अंदर जाके सो जाओ, अभी खाना खा ले फिर आपको निकालते हैं। बुरा बुरा क्या सर, बीचे को बेचारे को लटको दे। ओ मा 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 आई मा 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 आई मा मा मा। बस बस बस, कितनी चढ़ गया। सो गाइस, हम लोग आ चुके हैं घर पे फाइनली। देखा होगा, आई होप सो यू लाइक द व्लॉग, इफ लाइक इट डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड दैट्स इट फॉर द डे, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, तब तक के लिए ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। बहुत प्यारे प्यारे व्लॉग्स आने वाले हैं आगे भी और मैं अपनी दुआओं में याद रखिए, बाय।